गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपसे भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। भिंडी मसाला के लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है, उसे अच्छे तरह धोकर और उसे मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। कढ़ाही में एक चम्मच तेल डालकर हम भिंडी को शैलो फ्राई करेंगे। इसे 5 मिनट तक हम शैलो फ्राई करेंगे। गैस को तेज रखेंगे, इसकी फ्लेम तेज आंच में हम इसे फ्राई करेंगे। भिंडी सैलो फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाही में हम एक चम्मच तेल डालेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा का रंग सुनहरा होने के बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्ची डालूंगी, 2 प्याज बारीक कटे हुए डाल के इसे हम अच्छे से भूनेंगे। प्याज में स्वादानुसार नमक डालेंगे, नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाएगा। प्याज को 5 मिनट तक अच्छे से गुलाबी होने तक इसे भूनेंगे। प्याज गुलाबी हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसमें 1 बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे धीमे तवे पे ढक के अच्छे से पकाएंगे। भूनने में मसाले ना जले इसके लिए हम 4 चम्मच पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। अब इसे ढक कर हम 5 मिनट पकाएंगे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हमारा प्याज टमाटर का मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। किनारे तरफ देखिए ऑयल आने लगा है, इससे संकेत मिलता है कि हमारा मसाला तैयार है। अब हम इस मसाले में सैलो फ्राई किया हुआ भिंडी मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डालकर हम इसे अच्छी तरह से भिंडी को तेज आंच में पकाएंगे और इसे मिलाएंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें भिंडी मसाले में गरम मसाला पाउडर डालेंगे और तेज आंच में से 2 मिनट तक पकाएंगे। सभी मसालों को भिंडी पे अच्छे से मिलाएंगे। भिंडी मसाला तैयार है, अब हम इसे गैस बंद कर देंगे। भिंडी मसाला को पूरी, पराठे या चावल के साथ सर्व करें। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और प्यार से बनाएं और प्यार से खाएं। बाय।